क्योंकि वो प्रत्याशी बिल्कुल जसपुर के लिए नाकामयाब साबित होगी और जसपुर विधानसभा जीत ही नहीं सकती है वो। और रायमुनी भगत को दिया जा रहा है जो भाजपा विरोधी पिछले 2018 में ऑडियो अभी आपके सामने कहें तो प्रस्तुत कर दिया जाए। हमारा जनजाति समाज केवल सरगुजा संभाग नहीं, पूरा बस्तर संभाग भी पूरा आहत है। इसे भाड़ा बर्तन लेकर के चावल दाल लेकर के जाते हैं आए हैं और जब तक नहीं बदलेगा तब तक हम यहाँ पर बैठ के यहाँ पर बनाएंगे खाएंगे। सत्ता में वापसी के लिए ने भाजपा ने नारा बनाया अब नहीं सही वो बदल के रही वो। इसके साथ ही भाजपा ने अपने 85 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया और नाम घोषित करने के बाद कई इलाके से विरोध की खबरें भी आने लगी। आज वो विरोध जसपुर से आया है। जसपुर में भाजपा ने तीनों विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है लेकिन वहां से सैकड़ों की संख्या में समर्थक रायपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी बदला जाए और नारा भी वही उपयोग करें अब नहीं सही वो बदल के रही वो। ये नारा वो अपने प्रत्याशी बदलने के लिए कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह की भीड़ यहाँ पे आई हुई है। ये भीड़ जसपुर के जिले से आई है जो कि सरगुजा संभाग में आता है। सरगुजा संभाग का एक जिला है जसपुर। जसपुर में तीन विधानसभा आते हैं जसपुर पत्थलगांव कुनकुरी। भाजपा ने इन तीनों सीटों पे अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। उन प्रत्याशियों के विरोध में अब जसपुर के लोग आए हैं। अब खुद को ही अपने आप को मतदाता बताते हैं, जसपुरवासी बताते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या बात है, क्या मांगे, आप लोग किस बात को लेकर आज रायपुर पहुंचे हैं। देखिए आप लोग, जसपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी का घोषणा किया गया है हम लोग उस प्रत्याशी को बदलना चाहते हैं क्योंकि वो प्रत्याशी बिल्कुल जसपुर के लिए नाकामयाब साबित होगी और जसपुर विधानसभा जीत ही नहीं सकती है वो। इस चक्कर में हम लोग ये चाहते हैं कि जसपुर विधानसभा में आदिवासियों के कद्दावर नेता जो हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और जसपुर की अस्मिता की रक्षा करने वाले ऐसे नेता हैं हम लोगों के गणेश राम भगत जी। और उनका सिर्फ जसपुर विधानसभा ही नहीं पूरे सरगुजा संभाग में उनके हजारों के तादाद में हम जैसे कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और शुरुआत से भाजपा को वोट देते आए हैं। परंतु लगातार गणेश राम भगत जी जैसे अच्छे नेता के साथ ऐसा बर्ताव होना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है उनको जो गुमराह करके जो वहां स्थानीय जो तथाकथित नेता लोग हैं ये लोग जो गुमराह करके लगातार हमारे शीर्ष नेतृत्व को गुमराह कर रहे हैं और गणेश राम भगत जी को दरकिनार कराने का प्रयास कर रहे हैं। गणेश राम भगत उनके समर्थन में कुछ लोग हैं। क्या प्रत्याशी जो है तीनों जो प्रत्याशी घोषित तो तीनों बदलना चाहते हैं कि हम बदलना नहीं सिर्फ जसपुर विधानसभा के प्रत्याशी को बदलना चाहते हैं क्योंकि जसपुर विधानसभा की प्रत्याशी 2018 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद राम भगत के खिलाफ में इन्होंने मतलब विरोध करके और भारतीय जनता पार्टी की गोविंद राम भगत को हराने का काम की थी। और दूसरी बात रह गया हमारे जो उम्मीदवार जिनको हम चाहते हैं गणेश राम भगत, जसपुर जिला जो है धर्मांतरण भूमाफिया और इसमें खनिज माफिया और नक्सलवाद आतंकवाद कई तरह से जूझ रहा है। यहाँ के आदिवासी जो अंचल है आदिवासी यहाँ हमेशा प्रताड़ित रह रहे हैं, उनकी रक्षा करते हैं और यहाँ खनिज फैक्ट्री कई तरह के लोग मतलब अपना धंधा जमाना चाहते हैं जिसका विरोध आदिवासियों की रक्षा के लिए हमारे गणेश राम भगत जी करते हैं। और हमें अब यह प्रतीत हो रहा है कि गणेश राम भगत जी को इन पूंजीपतियों के द्वारा जो फैक्ट्री वालों के द्वारा के मतलब प्रभाव डाल करके यहाँ भाजपा संगठन को और इनका टिकट को कटवा करके और रायमुनी भगत को दिया जा रहा है जो भाजपा विरोधी पिछले 2018 में ऑडियो अभी आपके सामने कहें तो प्रस्तुत कर दिया जाए जो भाजपा विरोधी कार्य की है और भाजपा को हरवाई है। और उसी अभी किसको टिकट दिया है वहां पे रायमुनी भगत को पिछले बार भी दिया था, पिछले बार गोविंद राम भगत को मिला था जिसको उसका विरोध करके और रायमुनी भगत के द्वारा हरवा दी गई। तो पार्टी ने पूछा नहीं आप लोगों से वहाँ पे, बोलते हैं कि पार्टी हम वहाँ पे गए थे विधानसभा से, हमने ये सुना था कि पार्टी सर्वे करा रही है, पार्टी कई ठो दूसरे प्रदेश के विधायकों को बुला करके जांच करवा रही है लेकिन हमने कहीं कुछ नहीं देखा। हमने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा रायमुनि भगत की तरफ झुकाव बना कर प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं। और जसपुर जैसा कि मैं जानता हूँ ये काफी दूरस्थ इलाका है, वहाँ से आपके लिए कोई डायरेक्ट वहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो किस तरह से आप लोग पहुंचे रायपुर और किस तरह के परेशानियों देखिए हम लोग पूरा आज कम से कम इतना जो दिख रहा है ये कम से कम 100 गांव से लोग आए हुए हैं। पूरा जसपुर विधानसभा से, कुनकुरी विधानसभा से, पत्थलगांव विधानसभा से पूरे संभाग के लोग यहां पर हैं और सारे लोगों के एक ही मांग है कि जसपुर विधानसभा का जो प्रत्याशी चयन किया गया है उसको बदला जाए क्योंकि जब भूमाफिया से लड़ना होता है, नक्सलवाद से लड़ना होता है, धर्मांतर से लड़ना होता है, उद्योगपतियों से लड़ना होता है, फैक्ट्री से लड़ना होता है तो वहां पर कौन खड़ा होता है? गणेश राम भगत जी। और बाकी जितने भी वहां के लोग हैं जो भाजपा का
नेता बनते हैं वो लोग सब छिप जाते हैं। आज कितने लोग प्रताड़ित हैं, कांसाबेल में फैक्ट्री के लोग भी आए हुए हैं, वो लोग भी बहुत प्रताड़ित हैं। इसलिए हमारा एक ही मांग है, केवल जसपुर विधानसभा को जो प्रत्याशी है वर्तमान में उसको बदला जाए और माननीय गणेश राम भगत को दिया जाए। तो हमारा जनजाति समाज केवल सरगुजा संभाग नहीं, पूरा बस्तर संभाग भी पूरा आहत है इससे। और आज जब तक ये देखिए हमारा भाड़ा बर्तन लेकर के चावल दाल लेकर के जाते हैं आए हैं, और जब तक नहीं बदलेगा तब तक हम यहाँ पर बैठ के यहाँ पर बनाएंगे खाएंगे। कौन से विधानसभा प्रॉपर जसपुर जिले में 3 विधानसभा आता है, तो कौन सा विधानसभा से बदलना चाहते हैं? भाजपा ने 3 विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, पत्थलगांव में जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, ये 3 आता है ना, दो पे संतुष्ट हैं आप? देखिए आज जो यहाँ मतदाता रायपुर आए हैं जसपुर से, हम लोग जसपुर विधानसभा का मांग करने आए हैं। और जसपुर विधानसभा में अभी श्रीमती रायमणि भगत को प्रत्याशी दिया चुना गया है, और मतदाता प्रत्याशी से खुश नहीं है। और जसपुर विधानसभा में रायमणि का पुतला दहन हुआ है, कई गांवों में पुतला दहन किया गया, और उसके बाद भी बीजेपी आज रायमणि भगत को प्रत्याशी वहां चुनी। इससे आहत होकर जसपुर विधानसभा के मतदाता आज यहां पर जसपुर का प्रत्याशी को हटाने के लिए और उसका मांग करने के लिए आए हैं। सुन रहे हैं कि प्रत्याशी बदलना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं? गणेश राम पहले पार्टी भरोसा तो की थी उनपे, वो हार गए थे, 2 बार हार चुके हैं। जसपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे सरगुजा संभाग के हमारे आदिवासी जनजाति लोग उनके साथ खड़े हैं और बरसों से खड़े हैं, पर उनके लिए टिकट नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने जनजातियों के लिए सिर्फ नहीं काम कर रहे, पूरे हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है। जैसे गौ हत्या, गौ तस्करी, धर्मांतरण के विरोध और बक्साइडी और फैक्ट्री के खिलाफ, जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात में कहते हैं और संबोधन भी करते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि कम लागत में यदि कोई होता है देश में तो वो पर्यटन के लिए होता है, और पर्यटन का अपार संभावना है हमारे पंडरा पाठ में। आप संभावना है पर्यटन में, अब देख सकते हैं जसपुर से जो आए हैं ये गैस चूल्हा लेके आए हैं, भाड़ा बर्तन लेके आए हैं, राशन लाए हैं, ये बनाने का पूरा सामान लाए हैं, ये ढोल नगाड़ा किस लिए लाए हैं? मैं समझना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो आप लोग लेके आए हैं साथ में, पूरा बर्तन, टेंट, आप देख सकते हैं मैट भी बिछा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये व्यवस्थित बिछाया गया, क्या आप ही लोग ये सब व्यवस्था लेके आए हैं? हम ही लोग व्यवस्था लेके आए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं लेके आए हैं आप लोग? देखिए जसपुर तो एक बिहार क्षेत्र में है, और उतना दूर से आएंगे तो कहाँ रहेंगे भाई? बैठने के लिए हम लोग के लिए चटाई होना चाहिए, दूर तक आवाज जाने के लिए ढोल नगाड़ा भी होना चाहिए, और खाने के लिए चूल्हा भी जरूरी है, और चावल दाल नहीं रहेगा तो हम लोग भूखे नहीं रह जाएंगे। इसलिए हम लोग सारी व्यवस्था के साथ में आज आप बीजेपी कार्यालय आए हुए हैं। अपनी बात किसको बोलेंगे, किसके सामने रखेंगे अपनी बात आप लोग? हमारी बात यहाँ कार्यालय में जो मेन होंगे उन्हीं को हम लोग बोलेंगे, और आवेदन भी देंगे उनको। तो आवेदन देके बस चले जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे जब तक प्रत्याशी के लिए हम लोग को कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। इसलिए तो चूल्हा, ये सुना आपने, ये चूल्हा चौका और पूरा बर्तन के साथ ये आए हैं, और इनका कहना है कि जब तक प्रत्याशी बदलने की इन लोगों से वादा नहीं किया जाता तब तक ये यही भाजपा कार्यालय के सामने बैठकर अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि जसपुर के जो 3 विधानसभा हैं उसमें से एक में पूर्व मंत्री अरुण विष्णुदेव साय को बनाया गया है, जबकि जो पत्थलगांव है वहाँ से जो वर्तमान में सांसद है गोमती साय, उनको प्रत्याशी बनाया गया। जो जसपुर से जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, महिला प्रत्याशी वहाँ से भाजपा ने उतारा है, उनको बदलने की मांग को लेकर आज यहाँ पे जसपुर विधानसभा क्षेत्र से लोग पहुंचे हैं, और इनकी मांग है कि इनका प्रत्याशी बदलना चाहिए। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, छत्तीसगढ़ तक, रायपुर।